So, यहाँ पे अगर देखने वाला बात यही है कि 104.50 जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था उसको तोड़ने के बाद अभी वापस यहाँ पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है क्या इस सपोर्ट को इवन आफ्टर दीपीआई डेटा बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा वो देखने वाला बात है बट ऑन आर एस आई टर्म्स आर एस आई एट सिक्सटी सो जब तक 60 के सपोर्ट वो टोर के नीचे नहीं आता है तब तक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एंड आल्सो देयर इज ए राइजिंग ट्रेंड लाइन जो ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू शो द ट्रेंड व्हिच इज मूविंग अपवर्ड इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देते हैं एंड उसके बाद फॉलो थ्रू करते हैं देन एंड ओनली देन सम वीकनेस मे बी कंसीडर्ड हियर डॉलर रुपी अभी है आपका 82.93 सो कंसोलिडेशंस बरकरार है कल आपका नीचे का जो सपोर्ट था वो एट्टी टू पॉइंट लेवल्स पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया था बट ड्यूरिंग द यूएस मार्केट फिर नीचे आ चुका है अभी कंसोलिडेशंस चल रहा है सो so,

तो उसके बाद एक डोजी कैंडल कल रेड कलर का इसको अगर ऊपर जाना है तो इलेवेंथ के हाई के ऊपर कंटिन्यू करना पड़ेगा देन एंड आल्सो इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज देना पड़ेगा सिमिलरली जीबीपी आईएनआर पे आपका ये हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट फाइव फोर लेवल्स पे है सो so प्रीवियस जो सपोर्ट था वहीं पे आके अभी रेस्ट कर रहा है तो देखना है कि इस लेवल को क्या इजीली ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है हालांकि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है उसके ऊपर जाके क्लोज देगा देन गुड कर सकते हैं यूरो डॉलर वन पॉइंट यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिविटी है कल का जो कैंडल है ये एक डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल है बट पॉजिटिव um, काफी स्ट्रेंथ यहाँ पे है लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज नहीं दे देता है फॉलो थ्रू नहीं होता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा सो so, मेजर क्या हो रहा है डॉलर इंडेक्स इस ट्रेन लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज देना है जीबीपी डॉलर की इस ट्रेन लाइन के ऊपर क्लोज देना है यूरो डॉलर की इस ट्रेन लाइन के ऊपर क्लोज देना है डॉलर यन को इस ट्रेन लाइन के नीचे क्लोज देना है दैट मींस एट क्रिटिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ऑल द करेंसी पेयर्स आर देयर सो मार्केट इज वेटिंग फॉर ए मूव तो होगा तो सब एक ही साथ में होगा नहीं होगा तो पूरा का पूरा फिर साइडवेज कंसोलिडेशन या थोड़ा सा वोलेटिलिटी हो सकता है डॉलर ये 147.34 यहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एज uh, ऑन 11 सितंबर कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे दे लेकिन क्लोज अभी तक हुआ नहीं दैट बीइंग द केस हमारा जो कैलकुलेशन है अभी तक मींस uh, फ्रूटफुल नहीं हो रहा है इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना है एंड फॉलो थ्रा देना है देन एंड ओनली देन एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते जो अभी तक दिख नहीं रहा है एन आई एन आर सिमिलरली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज देना है लेकिन हो नहीं रहा है सो so, हमें इंतजार करना पड़ेगा डॉलर के कैंडी पे वीकनेस बरकरार है ये फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड इसका मतलब क्या है अभी तो, एक तो है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट तभी होने से उन साइड जीरो मूवमेंट होगा ये, हो का, ये काफी strong होना है अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करता है इसका मतलब क्या है ये तो फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है सो so, हमें देखना है क्या ये शर्प डाउनवर्ड मूवमेंट होता है या yeah. कंसोलिडेट करके वापस हाई को चैलेंज करता है 6403. So, लेकिन कल फॉलो थ्रू नहीं था सो so, कंसोलिडेशन होने देते हैं हमें देखना है क्या ये आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉग मूव देता है यानी नहीं डॉलर सी एन एच

Higher probabilities it is heading towards 105 and 106. U.S. U.S. Two year treasury consolidation data movement expect कर रहा है जैसे यूएससी पे डेटा आएगा उसके बाद एक मूव हो सकता है कौन सा डायरेक्शन में

अच्छा लगा होगा सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू एंड ग्रेट डे हेट